विशाल और कटारिया की लड़ाई को ख़त्म करवाया सना मकबूल ने। जी हाँ दोस्तों, सना मकबूल एक बहुत ही अच्छी दोस्त साबित हुई है विशाल और कटारिया की। और सुबह सुबह जो लड़ाई हुई थी लोकेश कटारिया और विशाल पांडे के बीच में, वो अब तक चल रही थी और इनके बीच का लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विशाल अपने एटीट्यूड में नज़र आ रहे थे और लोकेश कटारिया कहना था, भाई मेरी गलती नहीं है तो तू मुझे बेकार का गुस्सा मत दिखा। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी झुक कर सॉरी, वैसे सॉरी तो बोला था लोकेश कटारिया ने, सॉरी बोला था, पर विशाल का अलग ही एटीट्यूड लेवल चल रहा था भाई कि उसने गलत किया है, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके गलत किया है, उसने गलत किया है, यही लेकर पकड़े हुए सुबह से विशाल पांडे। और अभी रात हो गया, अब तक उनका वही चल रहा था। पर यहाँ पर सना मकबूल ने बैठ कर समझाया विशाल पांडे को, कहाँ गलती हुई है, किससे गलती हुई, सारा कुछ समझाया और बताया कि लोकेश भाई वैसा ही है, उसको समझा नहीं तो अभी तक एक महीने से रह रहा है उसके साथ। पर फाइनली सना मकबूल ने सक्सेसफुली दोनों के बीच का झगड़ा जो है वो सॉर्ट आउट करवा दिया। यहाँ पर लोकेश कटारिया जब आते हैं अपना सारा किचन का काम करके, तो उनके बीच फिर बातचीत होती है विशाल पांडे और लोकेश कटारिया के बीच, और जो भी उनका लड़ाई झगड़ा था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। और अब वो दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और उनके बीच जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारा ख़त्म हो चुका है। और इन सारे चीज़ों का क्रेडिट जाता है उनकी बेस्ट फ्रेंड सना मकबूल को, क्योंकि उनकी वजह से ही आज ये लड़ाई जो है वो ख़त्म हो पाई है, दोनों के बीच की अनबन बहस जो हुई थी वो ख़त्म हो पाई है। फिलहाल आप क्या कहना चाहोगे इस फ्रेंडशिप को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।